हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म 20वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपया करके आप उस अद्भुत कथा को भी मुझे सुनाइए। देवऋषि नारद बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा ही क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर भगवान शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब वह उन्हें काट ना सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो कि शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकट जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने लगे और छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में ही नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। भगवान शिव ने उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को श्राप देकर बड़ी ही धिक्कार के साथ कहा कि तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने बड़ा अपराध किया है। पहले तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भाग रहे हो। भागते को मारना तो पाप है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य ही मारेगी। भगवान शिव के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने भगवान शिव पर घोर वाणों की वर्षा आरंभ कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरणगुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी पृथ्वी विहल हो गई। भगवान शिव की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया। उसके शरीर का तेज निकलकर भगवान शंकर के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता, गंधर्व और सर्व लोग प्रसन्न हो गए। श्री कार्तिक मास महात्म 20वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा राधे राधे।